वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कपलिंग डिज़ाइंस को डिटेल में देखेंगे कि हाउ टू डिज़ाइन अ कपलिंग। कपलिंग के लिए सबसे पहले हम अपने डिज़ाइन डेटा बुक को देखते हैं और हम पाते हैं पेज नंबर 79 में हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में पेज नंबर 79 में हमें दो कपलिंग दी हुई है, एक मफ कपलिंग और दूसरा कास्ट आयरन फ्लेंज कपलिंग। तो देखिए ये मफ कपलिंग, मफ कपलिंग है और ये है कास्ट आयरन कपलिंग। मफ कपलिंग के दो फार्मूले दिए हुए हैं और कास्ट आयरन फ्लेंज कपलिंग के ये फार्मूले दिए हुए हैं हमारे नीचे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको इसको डिज़ाइन करना है। साथ ही साथ अब हम नोट्स देखते हैं और नोट्स में हम क्या क्या दिया हुआ है। नोट्स में भी हमने तकरीबन सारी डिटेल्स आपको दिए हुए हैं। सो वी विल फर्स्ट सी इन द फॉर्मीज बुक दैट हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कपलिंग, कपलिंग कैसे होती है और इसकी एक्चुअल फिगर जब हम लिखेंगे तो हमें एक जनरलाइज आइडिया होगा। कीज एंड कपलिंग्स ये एक ही साथ दिया हुआ है और शाफ्ट कपलिंग पेज नंबर 478 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पेज 479 है, यू कैन कंसिडर 478 आर्टिकल नंबर 13.11 शाफ्ट कपलिंग। शाफ्ट कपलिंग में हम देखते हैं कि सबसे पहले कपलिंग है क्या। शाफ्ट हैज यूजुअली अवेलेबल अप टू 7 मीटर लेंथ ड्यू टू इनकन्वीनियंस इन ट्रांसपोर्ट। शाफ्ट जनरली 7 मीटर की लेंथ के होते हैं और ये कन्वीनियंट नहीं होते ट्रांसपोर्ट में। कन्वीनियंट 7 मीटर का शाफ्ट आप ट्रांसपोर्ट में कन्वीनियंट करें और यदि कुछ इम्पैक्ट हो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन तो इट मे स्लाइटली डिफ्लेक्ट द बेसिक मटेरियल ऑफ द शाफ्ट। बेंडिंग और या टॉर्शन यदि आप उसे उठा रहे हैं किसी से तो ये दोनों इसमें हो सकता है। दैट्स वाई शाफ्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको जनरली अवॉइड किया जाता है। जनरली 7 मीटर तक के शाफ्ट अवेलेबल होते हैं और इस शाफ्ट को इतना लंबा शाफ्ट लगाने के बजाय हम दो जॉइंट, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट बिकम नेसेसरी टू जॉइन टू और मोर पीसेस ऑफ द शाफ्ट बाई मीन्स ऑफ अ कपलिंग। 7 मीटर के लेंथ में आपको लंबा चाहिए तो आपको दो शाफ्टों को जोड़ने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इस जोड़ने की व्यवस्था के दौरान जो एलिमेंट का प्रयोग हम करते हैं वी कॉल इट एज कपलिंग। कपलिंग के रिक्वायरमेंट्स आप यहां से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग, कौन कौन से टाइप के कपलिंग पॉपुलर हैं और इसे किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन इसका करता है। तो सबसे पहला रिजिड कपलिंग, दूसरा है फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग यानी कि कपलिंग जब आप लगाएंगे तो फ्लक्चुएशन दो शाफ्ट के बीच में जो है वो नहीं होगा, ये आप डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा फ्लेक्सिबल कपलिंग, इसमें आपका जो वाइब्रेशन है वो मे बी पॉसिबल बिटवीन कॉन्टैक्ट ऑफ बोथ द शाफ्ट। तो रिजिड कपलिंग जो होती है वो तीन तरीके से होती है, स्लीव और मफ कपलिंग, क्लैंप और स्प्रिंग और कंप्रेशन कपलिंग एंड फ्लेंज कपलिंग। हमें जनरली कॉन्सेंट्रेशन इस फ्लेंज कपलिंग के डिज़ाइन पर ही देना है। स्लीव और मफ कपलिंग भी हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में दी हुई है। एंड द अदर फ्लेक्सिबल कपलिंग्स विच यू हैव बीन ऑलरेडी स्टडीड इन थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, बुश पिन टाइप कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, ओल्डहैम कपलिंग। मैकेनिक्स में भी अप्लाइड मैकेनिक्स में भी आपने इसको देख रखा होगा। और हम स्लीव ऑफ मफ कपलिंग को थोड़ा सा देखेंगे बिकॉज इट इज़ अवेलेबल इन अवर डिज़ाइन डेटा बुक और बहुत छोटे इसके वो हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि शाफ्ट को ये सपोज दो शाफ्ट हैं, ये देखिए यहाँ से ये पार्टीशन लाइन है और ये दो शाफ्ट हैं, इन दो शाफ्ट को हमको इन दोनों शाफ्ट को जोड़ना है। तो हम इस
शाफ्ट में एक की ये बनाएंगे और इस की बे को में एक ये की इंसर्ट करेंगे और ये ऊपर से एक पाइप जो है काइंड ऑफ अदर आउटर कवर, इसको हम स्लीव बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्लीव और मफ कपलिंग। तो ये स्लीव लगा देते हैं और स्लीव लगाकर इन दोनों शाफ्टों को जोड़ देते हैं। तो इसके द्वारा हम इन दोनों को, इन शाफ्ट को जोड़ते हैं, की डालते हैं और इसको एक आउटर कवर डाल के इन दोनों शाफ्ट को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी जब हम कपलिंग को डिज़ाइन करते हैं तो वी नीड फर्स्ट डिज़ाइन ऑफ स्लीव, दूसरा डिज़ाइन फॉर की, इनका प्रयोग करते हुए हम निकालते हैं। डिज़ाइन डेटा बुक को कंसिडर करते हैं तो हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में भी आप पाएंगे जब हम मफ कपलिंग को का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये देखिए दो फॉर्मूले यहाँ पर दिए हुए, क्योंकि ये बहुत आसान है, आप इसे बाद में देख भी सकते हैं विथ हेल्प ऑफ बुक। तो यहाँ सिर्फ दो ही डायमेंशन में आपको दिखेंगे, कैपिटल डी दैट इज़ द डायमीटर ऑफ दिस स्लीव और मफ, और दूसरा लेंथ ऑफ द मफ, ये दोनों शाफ्ट हैं। और ये जो लाइन आपको दिख रही है दिस इज द की वे और शाफ्ट। ओके, दो फॉर्मूले हैं, ये कैपिटल डी निकालने के लिए हमारे को मफ और स्लीव डायमीटर कैपिटल डी इज इक्वल टू 2D, ये स्मॉल डी जो है वो डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, और प्लस 13 को हम ऐड करेंगे और वट एवर वी गेट इज द कैपिटल डी दैट इज डायमीटर ऑफ स्लीव और लेंथ 3.5D, 3.5D ये लेंथ ऑफ स्लीव। यानी कि यदि आपको कभी से फॉर एग्जांपल मफ कपलिंग आ गया इन केस, तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली आप इसको इसमें एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, उसकी सहायता से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये एक्चुअल मफ कपलिंग है, देखिए ये हमारा स्लीव है और इसके अंदर आपको ये कीवे दिख रहा होगा, इस कीवे को हम पूरा शाफ्ट के अंदर लगा देते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड रिजिड कपलिंग। नेक्स्ट है कैम्प क्लैम्प्ड और कंप्रेशन कपलिंग, ये भी क्लैम्प है, ये इसमें की वे आपको दिख रहा होगा, ये हब है, ध्यान दें ये हब है आपका डायमीटर, शाफ्ट इसके अंदर अलग से आएगा और इसको फिर हम एलन ये बोल्ट की सहायता से इसको शाफ्ट के ऊपर टाइट भी कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली हम इस कपलिंग को एक दूसरे से लिंक करते हुए इसको यहाँ से जब हम इस एलन बोल्ट को टाइट करेंगे तो इट विल गो थ्रू दिस थिंग, और ये जो आपके बीच में जो गैप है ये गैप हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम दो शाफ्टों के बीच में इसको डालकर टाइट कर सकें। वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट इन डेप्थ, जस्ट एक जनरल कंसीडरेशन के लिए हम इसे देख रहे हैं। ये देखिए इसका इंटरनल और आपको दिखेगा, कट सेक्शन हम इसके डिज़ाइनिंग डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वी वॉन्ट टू डायरेक्टली कम टू अवर डिज़ाइनिंग ऑफ रिजिड कपलिंग दैट इज फ्लैंज कपलिंग। अब हमको फ्लैंज कपलिंग दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो फ्लैंज कपलिंग यूजुअली अप्लाइड अ कपलिंग हैविंग टू सेपरेट कास्ट आयरन फ्लैंज, दो कास्ट आयरन की फ्लैंज होती है, उन दोनों कास्ट आयरन के फ्लैंज को हम शाफ्ट में फिट करते हैं, दो शाफ्ट में दो, और उन शाफ्ट और उन फ्लैंजों को हम टाइट करते हैं नट बोल्ट के द्वारा, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में। इसका डायग्राम एक्चुअल देखते हैं, यहाँ से हमको देखिए आइडिया मिलेगा। ये अनप्रोटेक्टेड है, दो टाइप आते हैं इसमें, अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग और दूसरा आता है प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। आप जिस इस कपलिंग को देख रहे हैं इस कपलिंग के ऊपर एक कवर रहेगा तो वी कॉल इट एज प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग। हमारी डिज़ाइन डेटा बुक में जो हमको दिया हुआ है दैट इज़ प्रोटेक्टेड टाइप, और इसी प्रोटेक्टेड टाइप से हमको जो फार्मूलाज दिए हुए हैं वो भी इसी के अनुसार दिए हुए हैं। देखिए प्रोटेक्टिव सर्कमफरेंशियल फ्लैंज, थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव सर्कमफरेंशियल फ्लैंज, ये हमें D4 दिया हुआ है।
आइए इस एक्चुअल फिगर को अब हम एनालाइज करते हैं। तो एग्जैक्टली हमको क्या क्या है और कैसे इसका जो लाइन डायग्राम है उसको हम बनाएंगे, स्ट्रक्चरल डायग्राम साइमल्टेनियसली जो हमारी डिज़ाइन डेटा बुक में डायग्राम दिया हुआ है उसे इसे किस तरीके से को रिलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखना चाहेंगे। तो ये देखिए, ये दो फ्लैंज है, ये थिकनेस कम ज़्यादा हो सकती है, बट दिस इज अवर हब एंड दिस इज इंटरनल हब का डायमीटर। ये हब है, शाफ्ट इसके अंदर लगेगा और ये कपलिंग जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है ये राइट हैंड साइड के शाफ्ट में जाएगा। आप ये छोटा शाफ्ट, ये बड़ा शाफ्ट इस तरीके से भी हो सकता है, आप इन्हें जोड़ सकते हैं। हमको कुल मिलाकर इस शाफ्ट को एक इन लाइन में लेंथ में लेके जाना है। देखिए शाफ्ट यहाँ जो लगेगा वो बिल्कुल लेंथ वाइज बिल्कुल प्रॉपर लगेगा। जो दोनों फ्लैंजेस, ये फ्लैंजेस है, ये जो दोनों फ्लैंजेस लग जाएंगी तो हम इसे नट बोल्ट की सहायता से टाइट कर देंगे। तो इसमें इस डायग्राम में यदि आप देखें तो कितने बोल्ट लगे हुए, यदि मुझे जो विजिबल है तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। यदि मैं पीछे के भी देखना चालू करूँ तो 8 9 10, 10 फ्लैंज, 10 बोल्ट इसमें चिन्हित है, ये जो मुझे मैं ज़ूम कर पा रहा हूँ, यानी कि ये इवन है और साइड पे इवन है या ऑड भी हो सकते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है इसको देखने की कोशिश करते हैं डिज़ाइन डेटा बुक में। देखिए हमको जो दिया हुआ है नंबर ऑफ बोल्ट n इज इक्वल टू 3 और शार्प डायमीटर अप टू 40, n इज इक्वल टू 4 शार्प डायमीटर अप टू 100, n इज इक्वल टू 6 शार्प डायमीटर अप टू 180। तो यदि आप 180 mm के शार्प डायमीटर को डिज़ाइन करना है तो हमें नंबर ऑफ बोल्ट्स लगेंगे 6, 100 mm की शार्प डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ बोल्ट लगेंगे 4, यदि 40 mm तक का शार्प डायमीटर है तो हमको नंबर ऑफ बोल्ट लगेंगे 3। इसको ध्यान में रखते हुए यदि अब मैं इस बुक में देखूँ तो डेफिनेटली ये जो डायमीटर इसमें दिया हुआ है ये किससे ज़्यादा होगा, हमारे जो दिए हुए 180 से ज़्यादा होगा, बिकॉज इसमें 8 से 10 बोल्ट लगे हुए हैं। ये हमको एक रिस्ट्रिक्शन भी देता है कि हमारी डिज़ाइन डेटा बुक में हमें सिर्फ 3 4 6 यानी कि 40 100 और 180 mm तक का ही शार्प डिज़ाइन हम इस डिज़ाइन डेटा बुक के माध्यम से कर सकते हैं। यदि हम कोई दूसरा डिज़ाइन डेटा बुक देखें तो उसमें और आपको नंबर ऑफ बोल्ट्स लिखेंगे। तो ये आप ध्यान रखिए कि आप जो भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग की, तो उसमें आपको जो नंबर ऑफ बोल्ट्स है वो 3 4 और 6 इतने ही आप बोल्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इवन भी है और ऑड भी है, 3 ऑड है, अप टू 40 के लिए 4 है, अप टू 100 के लिए 6 है, अप टू 180 के लिए। लेकिन यदि इसी डिजिट कपलिंग को मैं बुक में दिए हुए अनुसार देखता हूँ तो भी मुझे ये 8 से 10 नंबर और बोल्ट्स नज़र आते हैं। इसके डायग्राम को देखते हैं और ये समझते हैं कि हमारी डिज़ाइन डेटा बुक का डायग्राम और इस डायग्राम को देख समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अनप्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग है। सबसे पहले हम अनप्रोटेक्टिव देखते हैं फिर प्रोटेक्टिव देखते हैं, जिससे कि हमें ये और जनरलाइज आइडिया हो जाए। तो ये एक सेक्शनल व्यू है, ये शाफ्ट है आपका पूरा, ये दो शाफ्ट अलग अलग, ये बीच में आप गैप देख सकते हैं, ये दो शाफ्ट अलग अलग, ये देखिए ये एक की यहाँ पर है, दूसरे की यहाँ पर भी हुई है, की स्लॉट। इसका डायमीटर कैपिटल डी कहाँ से कहाँ तक, ये हब है, ये देखिए ये हब है, हब का आउटर डायमीटर है। इनर डायमीटर क्या होगा, ऑटोमेटिकली शाफ्ट का डायमीटर, तो हम हमेशा हब का डायमीटर देखते हैं, दैट इज़ कैपिटल डी। और ये कितना दिया हुआ है, 2D मतलब शाफ्ट का डायमीटर का 2 गुना। और ये डिज़ाइन डेटा बुक में चेक करते हैं, आउटर डायमीटर ऑफ शाफ्ट ऑफ हब DH इज इक्वल टू 2D, बिल्कुल बराबर है, ये सही है, हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में भी वही दिया हुआ है। अब देखिए ये जो PCD है, पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर मतलब जितने डायमीटर पे हमको ये पूरे बोल्ट्स लगाने हैं, एक्चुअल फिगर में देखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड PCD। ये है आपका PCD, ये पूरे फ्लैंज में जितने बोल्ट लगे हुए हैं इधर और उधर दोनों मिला के, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 3D PCD, ये यहाँ से लेकर ये सेंटर ऑफ बोल्ट, ये कितना होना चाहिए 3D। डिज़ाइन डेटा बुक में देखते हैं,
डिज़ाइन डेटा बुक में देखते हैं तो हमको भी दिया हुआ है पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट्स डीपीसी इक्वल टू 3D। एक्चुअल फिगर में भी मैंने आपको बताया कि देखिए ये जो जितने बोल्ट लगे हुए हैं इनका डायमीटर है 3D। तो हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में भी उतना ही दिया हुआ है। आउटर डायमीटर मतलब यहाँ और ये नीचे, यहाँ का डायमीटर है 4D, ये हमें डिज़ाइन डेटा बुक में दिया हुआ नहीं है। हमें बस ये PCD तक ही दिया हुआ। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है, इसको ध्यान से देखिए, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज की मोटाई, ये देखिए TF यहाँ पर दिया हुआ है, हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में दिया हुआ है TF थिकनेस ऑफ फ्लेंज TF, हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में ये TA है, ये हमको दिया हुआ है d/2। और थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव सर्कमफ्रेंस फ्लेंज दी हुई है d/4, यानी कि d/2 हमारे फ्लेंज का है। और प्रोटेक्टिव टाइप देखने की कोशिश करेंगे तो जो बाहर डायमीटर आएगा वी विल कॉल्ड इट d/4। आइए इसको देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर TF थिकनेस ऑफ फ्लेंज दिया हुआ है 0.5D। सेम नंबर ऑफ बोल्ट 3, 4, 6 फॉर डी अप टू 40, फॉर डी अप टू 100, फॉर 6, फॉर डी अप टू 180, ये सारा दिया हुआ है। तो हम ध्यान रखें ये T5 = 0.5D दिया हुआ है, ये हमको याद रखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, आई थिंक ये D/2 मतलब 0.5 स्मॉल डी हो गया। ये देखिए थिकनेस ऑफ फ्लेंज आपको ऑटोमेटिकली डिज़ाइन डेटा बुक में दी हुई है। लेंथ L, इसको भी देख लेते, देखिए लेंथ ऑफ हब दिया हुआ है 1.5D, हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में भी लेंथ ऑफ हब दिया हुआ है 1.5D। व्हाट इज लेंथ ऑफ हब, इसे एक्चुअल फिगर में भी देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए लेंथ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हमको कितनी दी हुई है 1.5D, 1.5 गुना शाफ्ट का डायमीटर, ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ये हब का डायमीटर, ये PCD। और ये प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज जिसके ऊपर लगेगी तो उसका भी हमको देखने की अभी आवश्यकता है। ये जब हम समझ लेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरीके से उसको डिज़ाइन करते हैं। ये देखिए प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज करते हैं, इन अ प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज करते हैं, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि प्रोटेक्शन बोल्ट्स एंड नट्स आर प्रोटेक्टेड बाय फ्लेंज ऑन 2/2 ऑफ द कपलिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड डेंजर ऑफ द वर्कमैन। यानी कि ये प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज में ये पूरा कवर हो जाता है, नट बोल्टिंग अंदर हो जाती है और बाहर से हमें कवर लगाते हैं। तो ये TF के बाद एक TP भी देख रहे हैं, उस TP को इस बुक में थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव फ्लेंज आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू दी हुई है, देखिए दिया हुआ 0.25D। द थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव सर्कमफ्रेंस फ्लेंज इज टेकन एज 0.25D। डिज़ाइन डेटा बुक में देखते हैं तो वो हमको दी हुई है TR सर्कमफ्रेंशियल फ्लेंज, और इसकी थिकनेस दी हुई है d/4 यानी कि 0.25D, ये भी बिल्कुल बराबर दी हुई है। यानी ये सारे पैरामीटर्स हम अभी अपनी खुदनी की बुक में और डिज़ाइन डेटा बुक में दिए हुए हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सेक्शन वाइज देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी तक आप समझ गए कि प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज और अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज, ये इन दोनों में क्या अंतर है। प्रोटेक्शन में यहाँ एक आपका एक कवर लग गया है जो पूरा कपलिंग को कवर करके रखता है ताकि कभी कोई दुर्घटना हो, यदि नट बोल्ट लूज हो तो वो उड़ के बाहर ना निकल जाए ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ बोथ द शाफ्ट। सो फॉर दैट प्रोटेक्शन वी नीड अ प्रोटेक्टिव कवर। तो प्रोटेक्शन इज नथिंग बट प्रोटेक्टिव कवर। एक और कपलिंग इसके अंदर दी हुई है, दैट इज लास्ट वन, दैट इज मरीन टाइप ऑफ कपलिंग, मरीन टाइप फ्रेंच कपलिंग। ये मरीन टाइप की फ्रेंच कपलिंग जो रहती है फोर्ज इंटीग्रेटेड विद शाफ्ट रहती है, इनकी ये शाफ्ट के में ही फोर्ज रहती है। और इसका भी यहाँ पर कैलकुलेशन दिया हुआ है, हम इस पर भी नहीं जाएंगे बिकॉज इन आवर डिज़ाइन डेटा बुक इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली, हम दो ही कपलिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, CI फ्रेंच कपलिंग और मफ कपलिंग। लेकिन हम देखते समय हम दोनों के न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करेंगे। एक हम मफ कपलिंग का भी
कोशिश करेंगे बुक से देखने की डायरेक्टली, और बाकी सारी फ्रेंच कपलिंग्स के न्यूमेरिकल्स भी देखने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम अपने नोट्स को देखते हैं। हमारे नोट्स में क्या क्या दिया हुआ है रिजिड फ्रेंच कपलिंग, ये थ्योरी है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। अ फ्रेंच कपलिंग कंसिस्ट ऑफ टू फ्रेंच फ्लेंजेस, वन फीड टू द ड्राइविंग शाफ्ट एंड अदर टू द ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट मतलब जो शाफ्ट दूसरे शाफ्ट को ड्राइव करेगा, वी कॉल इट एज ड्राइविंग शाफ्ट, एंड जो शाफ्ट घूम रहा है उसको घुमाना है वी कॉल इट एज ड्रिवन शाफ्ट, ड्राइविंग एंड ड्रिवन। The two flanges are connected together by means of 4 to 6 bolts arranged in a circle concentration with the axis of the shaft. Power is transmitted from driving shaft to the LHS flange through the key. Key के द्वारा ये transmit होता है driving shaft flange पे। It is then transmitted from the left hand side to the right hand side of flange through the bolts. Bolts के द्वारा ये transmit होता है। Finally, power is transmitted from right hand side flange to the driven shaft to the key. Since flange coupling is a rigid type of coupling, provision should be made for precise location to the axis of two shaft. The mating flanges have pivot and recess for precise location. The left hand side flange has a cylindrical projection called spigot, while the right hand side flange has a corresponding recess. The diameter of the spigot and the recess are machined with more accuracy. During the assembly, the spigot fits into the recess and the two flanges are locked inside with respect of each other. This ensures alignment of the axis on the two shaft. ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया, ये डायग्राम हमने TA TR जो हमारी डिज़ाइन डेटा बुक में उसके अनुसार डिज़ाइन करके बताया। ये DO कंप्लीट डायमीटर ऑफ फ्लैंज, ये 2TA थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ये DB डायमीटर ऑफ बोल्ट, ये D डायमीटर ऑफ शाफ्ट, और यहाँ देखिए ये DPC आपको दिख रहा है डायमीटर पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, और ये DB ये डायमीटर ऑफ बोल्ट यहाँ पर और क्लियर आपको दिख रहा है। हम चाहेंगे कि हम इस तरीके का डायग्राम बनाएं जिससे कि हमें क्लियरिटी रहे, बिकॉज डिज़ाइन डेटा बुक में आपको, ये मैं एक बार और बता देता हूँ, डिज़ाइन डेटा बुक में आपको इस तरीके से क्लियरिटी नहीं है कि व्हाट इज़ DB, ये क्या है, TR क्या है, TPC कहाँ है, DH क्या है। इन्होंने सिर्फ एक डायग्राम दे दिया है, तो इस डायग्राम के बजाय हम इस डायग्राम को ध्यान में रखें, हम बहुत आसानी से सारे पैरामीटर्स को सही तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखिए दो शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के दौरान ये देखिए छोटा और बड़ा शाफ्ट भी हो सकता है। इस तरीके से डायग्राम में आप देख सकते हैं की दोनों में लगेगी, एक ही की दिख रही है, दूसरे की नहीं दिख रही है। ज़रूरी नहीं है कि की आमने सामने ही रहे, हमेशा की जो रहती है एक ऊपर और एक 90 डिग्री पर लगाने का प्रयास करते हैं ड्यूरिंग द असेंबली प्रोसीजर, और इस तरीके से हम अपने शाफ्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जब भी न्यूमेरिकल बनाएं तो आप इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए बनाएं, बिकॉज ये डायग्राम और हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में दिया गया डायग्राम ये बोथ आर मैच, ये बोथ मैच हो रहे, ये डायमेंशन के हिसाब से ही हमने इस डायग्राम को लेने की कोशिश की। इसके बाद अब इसकी प्रोसीजर देखने की कोशिश करते हैं। अब हम प्रोसीजर जो हमारे नोट्स हैं हम उसको देखने की उसकी सहायता से देखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हम मोटे तौर पर ये समझ चुके हैं कि TA क्या है, TR क्या है जो डिज़ाइन डेटा बुक में हमने दिया हुआ है, DO क्या है, DPC क्या है, DB क्या है, D क्या है, ये सारी चीज़ें हम अब देख चुके हैं। तो हम इसके डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट्स पर आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट करेंगे। जैसे भी हमको पैरामीटर्स दिए हुए हैं, यदि हमको RPM दिया हुआ है किलोवाट में, यदि एनर्जी दी हुई है, तो कैपिटल T निकालेंगे। T की सहायता से हम 9550 10^3 P इन किलोवाट रखकर, जैसे हमने बताया ये डायरेक्टली न्यूटन मिलीमीटर में आपका आंसर आएगा। कि न्यूटन मिलीमीटर में आने के बाद हम एक सॉलिड शाफ्ट की सहायता से पेज नंबर 77 पे जो हम एक जनरल फार्मूला
tau is equal to 16 t pi d cube 9.131 d equation की सहायता से हम टाउ हमको दिया हुआ रहेगा तो हम पी की वैल्यू निकालेंगे और फाइंड आउट द शार्प डायमीटर इन एमएम फ्रॉम दिस इक्वेशन। उसके बाद अब हम हब पर जाएंगे डिजाइन ऑफ हब। तो हम डिजाइन डेटा बुक गिवन पेज नंबर 79 पे आउटर डायमीटर ऑफ हब 2d इज इक्वल टू da। ये हमने अभी आपको बताया कि हाउ दिस इज जस्टिफाइड। लेंथ ऑफ पर हब 1.5d। फाइंड आउट do एंड l फॉर हब। Considering hub is a hollow shaft and if we check if the shear stress to shaft is in safe limit or not, we will use equation number 9.1c। क्यों? इसको भी मैं अभी आपको explain करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसके पहले जब हमने निकाला था तो हमने solid shaft का formula use किया था, इसके बाद हम hollow shaft का formula use कर रहे हैं। ये ध्यान रहे design of hub में, इसे actual figure में भी देखने की कोशिश करते हैं एक बार और, जिससे कि हमें क्लियरिटी रहे। कि देखिए आपका ये रिजिड कपलिंग है, रिजिड फ्लेंज कपलिंग में ये फ्लेंज है, मैंने आपको बताया है, ये हब का डायामीटर है और ये शाफ्ट का डायामीटर है। तो अभी अभी मैं हब की बात करूँगा, यदि मैं इस सिर्फ इस पोर्शन की बात करूँगा हब का, तो ये क्या है, हॉलो शाफ्ट है। देखिए इसका आउटर डायमीटर दिया हुआ है, ये इसका इनर डायमीटर दिया हुआ है, मतलब डी ओ है और डी आई है। डी आई ऑफ कोर्स का शार्प डायमीटर है, डी आई इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल डी, तो ये हब का डायमीटर है। तो इसका यदि मुझे डिजाइनिंग करनी होगी तो विच थिंग्स आई विल यूज, तो मैं हॉलो शाफ्ट का प्रयोग करूँगा। तो टाउ इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई पाई डी फोर माइनस डी आई फोर, वेयर डी आई इज इक्वल टू डी, अंदर का शार्प डायमीटर आप देख सकते हैं कि शार्प डायमीटर इसके अंदर आएगा, तो डी आई इज इक्वल टू स्मॉल डी, तो डी आई हमको हमेशा पता रहता है। और इसे हमको चेक करना है कि ये टाऊ के अंदर लिमिट में है, ये टाऊ हमको दिया हुआ रहेगा, टी हमको दिया रहेगा, डी ओ हमको हम निकालेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे कैसे 2d से, और फिर इसको टेस्ट करेंगे चेक के द्वारा ये टाऊ के अंतर्गत है या नहीं। नेक्स्ट हम डिज़ाइनिंग की निकालेंगे। हमारे पास दो फार्मूले हैं, पेज नंबर 54 से हमने कई बार इसको निकाला हुआ है पिछले वीडियो लेक्चर्स में। तो हम यहाँ से डिज़ाइन ऑफ की निकालेंगे, डब्ल्यू एल टाउ डी बाई टू इज इक्वल टू टी, और या टाउ इज इक्वल टू टू टी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल डी, और सिग्मा से इज इक्वल टू 4t डिवाइडेड बाई टी एल डी। अब हम आते हैं डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज पर। तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज हमको दी हुई है टी ए इक्वल टू डी बाई टू, हमारी डिजाइन डेटा बुक में जब हमने अभी डिस्कस किया टी आर हमको 0.25 दिया हुआ है, प्रोटेक्टिव सर्कमफ्रेंशियल फ्लेंज। इसके बाद जो दो फार्मूले आते हैं डी ए इक्वल टू 4d प्लस 2tr और टाउ इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई 5d स्क्वायर मल्टी डिवाइडेड बाई टी ए, ये दोनों को हमको याद रखने की कोशिश करनी है, बिकॉज ये जो फार्मूला है ये हमें हमारे डिजाइन डेटा बुक में दिया हुआ नहीं है। इसके बाद डायमीटर ऑफ बोल्ट की बारी आती है। डायमीटर ऑफ बोल्ट को हम पी सी डी तो हम निकाल सकते हैं, डी पी सी पिच सर्कल डायमीटर हमको दिया हुआ है, और ये पिच सर्कल डायमीटर हमको दिए होने के कारण, थिकनेस दिए होने के कारण, हम आर पी एम दिए होने के कारण हम डी बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको ये दो फार्मूले याद रखने हैं, और इस स्केच को बनाते हुए देखिए 1.5 डायमीटर ऑफ ब्रसेस एंड हाफ थिकनेस ऑफ टी, ये इस तरीके का हमको यदि हम एक डायग्राम बनाए हमारे लास्ट में डिजाइनिंग में, तो वी विल सक्सेसफुली वी कैन सक्सेसफुली कंप्लीट आवर डिज़ाइन, फुल कंप्लीट डिजाइनिंग प्रोसीजर ऑफ द फ्लेंज। इसके बाद हम बाद के वीडियो में ज़रूर एक दो न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे, तो आई होप वेरी वेरी मच होपफुल कि आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट कमिंग वीडियो, और ये आपके पास है पूरे नोट्स, इसको देखकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करेंगे जैसे ही, तो आप फिर बहुत आसानी से इसे समझ सकें और इसे सॉल्व कर सकें।
हम कम से कम दो या तीन न्यूमेरिकल लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे मफ कपलिंग सीधे कुर्मी की बुक से लेने की, बिकॉज वी डोंट वांट टू स्पेंड टाइम इन इट। तो आपको एक बार हम यहाँ से वर्बली समझाएंगे, जिससे कि आप जल्दी से इसको एक बार लाइन अप करें, और उसके बाद हम हमारी प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग को समअप करने के लिए हमने मैं समअप यहाँ पर करना चाहूँगा आज का वीडियो लेक्चर। तो हमने आज देखा टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग इम्पॉर्टेंस, और ये आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट। हम समअप करने के लिए हमने दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, जिग कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। पहला है स्लीव और मफ कपलिंग, ये हमको डिजाइन डेटा बुक पर दिया हुआ है। दूसरा क्लैंप और स्प्रिंग मफ कपलिंग। तीसरा फ्लेंज कपलिंग, हमें ये सीधी जनरली न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में सॉल्व करने आता है। क्योंकि स्लीव और मफ कपलिंग हमको दी हुई है, तो हम इन दोनों को कोशिश करेंगे। इसका सिर्फ एक न्यूमेरिकल देखेंगे, बाकी सारे न्यूमेरिकल विल बी बेस्ड ऑन फ्लेंज कपलिंग इटसेल्फ। फ्लेक्सिबल कपलिंग जो है वो तीन तरीके की होती है, बुश पिन कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग एंड ओल्डन कपलिंग। हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान हमने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन डिजाइनिंग ऑफ फ्लेंज कपलिंग एंड दैट इज ऑल्सो अनप्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी विल ट्राई टू सॉल्व सिंपल न्यूमेरिकल्स ऑफ फ्लेंज कपलिंग इटसेल्फ, प्रोटेक्टिव एंड अनप्रोटेक्टिव टाइप। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक यू वेरी मच।